एक छोटा केंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज बड़ा मजा आएगा देखना मेरे फ्रेंड्स। अरे ये घर इतना फीका और बेरंग क्यों लग रहा है? चलो इसमें रंग भरते हैं और इसमें डिजाइन भी बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ रहा है सर्कल यानी गोला। देखिए ये कहाँ फिट होता है। आ गया। अब देखते हैं ये कहाँ आएगा। रेक्टेंगल यानी समकोण। ये यहाँ फिट हो गया। अब कौन सा आकार रहेगा? स्क्वायर यानी चौकोर। इसे यहाँ सेट कर देता हूँ। अब ट्रायंगल यानी त्रिकोण और ये जाएगा घर के सबसे ऊपर। इसके बाद आएगा स्टार यानी सितारा। ये घर के ऊपर लगाऊंगा, बड़ा प्यारा लगेगा। और ये पूरा हो गया। ये, ये।, ये वाला है ऑरेंज यानी नारंगी। त्रिकोण था रेड यानी लाल रंग का। चौकोर था येलो यानी पीले रंग का। और गोला था ब्लू यानी नीले रंग का। और पता है सितारा था पिंक यानी गुलाबी रंग का। वाह! ये टास्क तो मैंने पूरा कर लिया। बहुत मजा आया दोस्तों, है ना? बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छोटू सा प्यारा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। ओ ये तो तुरंत शुरू हो गया। बताओ ये किस चीज की फोटो है? क्या ये एक बस है? नहीं ये बस तो नहीं हो सकती। तो क्या ये एक बोट है? बोट तो नहीं है। तो फिर ये हुई एक कार। सी ए आर कार यानी कि गाड़ी। पीप 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 पीप। ओ अब ये क्या है बताओ दोस्तों? तुम्हारे पास है तीन ऑप्शंस। क्या ये वैन है? नहीं ये तो वैन नहीं है। क्या ये बस है? क्या तुम इसमें स्कूल जाते हो? नहीं। तो क्या ये ट्रक है? हाँ ये है ट्रक। टी आर यू सी के ट्रक। इसमें हम चीजें ले जाते हैं। अरे वाह ये जो है ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे पास है तीन ऑप्शंस। क्या ये एक ट्रक है? ट्रक तो अभी अभी गई। तो क्या ये गाड़ी है यानी कि कार? नहीं कार भी चली गई। तो क्या ये एक बाइसिकल है? हाँ बी आई सी वाई सी एल ई। हमने गेस कर लिया। ट्रिंग ट्रिंग। अब ये क्या चीज है बताओ बताओ बताओ? क्या ये एक ट्रेन है? नहीं ये ट्रेन नहीं हो सकती। क्या ये एक बस है? ना ये बस भी नहीं है। क्या ये एक रॉकेट है? हाँ ये रॉकेट है। आर ओ सी के ई टी रॉकेट। और ये उड़ भी गया। मैं इसमें बैठकर स्पेस में जाऊंगा एस्ट्रोनॉट बनने के बाद। ये देखो ये क्या है? गेस करो गेस करो गेस करो। क्या ये एक वैन है? नहीं ये वैन नहीं है। क्या ये एक ट्रक है? ट्रक भी नहीं है। तो फिर ये हुई बोट। बी ओ ए टी बोट यानी कि नाव। ये पानी पर चलती है। और अब मैं भी चलता हूँ। बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छुटकू सा प्यारा सा दोस्त केंट दी एलिफेंट। आज हम कुछ जरूरी सीखने वाले हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट, घर साफ करता हूँ व्हेन द डे एंड्स। तुम भी हमेशा करना मेरे फ्रेंड्स। देखा ना कितना कचरा है। देखो यहाँ चार डस्टबिन भी है। देखो ये तो एक प्लास्टिक बोतल है, ये किसमें जाएगी? क्या ये इसमें जाएगी? नहीं इसमें नहीं। हाँ प्लास्टिक एंड मेटल वाले में जाएगी। हाँ हमने सही डस्टबिन में डाला। ये क्या है? ये है एक पेपर। पेपर को हम कौन से वाले में डालेंगे? बिल्कुल सही पेपर के डस्टबिन में। ओ मुझे याद है मैंने इसमें ड्राइंग भी बनाई थी। अब ये क्या है? ये तो सेब का बचा हुआ टुकड़ा है क्योंकि बाकी सब तो केंट खा गया। अब इसे किसमें डालूं? क्या ये ग्रीन वाले में जाएगा? नहीं ये कंपोस्ट वाले में जाएगा। हमने इसे डाल दिया कंपोस्ट डस्टबिन में। ये क्या है? ओ ये भी एक बोतल है पर ये ग्लास बोतल है। तो इसे हम किसमें डालेंगे? ग्लास वाले डस्टबिन में। ये इसमें मैंने जूस पिया था। अब अगला वाला है सोडा का एक कैन।
ये बना है मेटल से, तो इसे मैं क्या पेपर वाले में डालूंगा? नहीं, प्लास्टिक एंड मेटल वाले डस्टबिन में डालूंगा। ये हम बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। ओ, ये बेड पर क्या है? ओ, ये तो मेरी पुरानी किताब है यानी कि बुक। इसे मैं किस में डालूं? नहीं, ग्लास वाले डस्टबिन में नहीं, पेपर वाले डस्टबिन में। बहुत बढ़िया। ओ, इसमें पिक्चर्स भी थी। अब ये क्या है? ये तो बनाना का छिलका है यानी कि केले का छिलका। इसे किस में डालूं? कंपोस्ट में, जैसे सेब को डाला था। केंट को पसंद है बनाना। एक और बॉटल। ये तो ग्लास बॉटल है। ग्लास बॉटल किस में जाएगी? हाँ, ग्लास वाले डस्टबिन में। लेकिन टूटी हुई कांच की बॉटल से बच के रहना चाहिए। यहाँ पे तो पॉपकॉर्न बॉक्स है। इसमें मैंने पॉपकॉर्न खाया था और पिक्चर देखी थी। क्या ये इसमें जाएगा? नहीं, ये जाएगा पेपर वाले डस्टबिन में। क्या आप भी पॉपकॉर्न खाते हो दोस्तों? ये क्या है? ये तो चिप्स का प्लास्टिक पैकेट है। तुम्हें याद है ना ये किस में जाएगा? प्लास्टिक जाता है प्लास्टिक एंड मेटल डस्टबिन में। इसमें मैंने चिप्स खाए थे। यम यम। और ये क्या है? ये है वाटरमेलन का छिलका। फ्रूट्स के छिलकों को किस में डाला था? नहीं नहीं, इसमें नहीं। हाँ, कंपोस्ट में। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने काफी कुछ सीख लिया और साथ में मेरा कमरा भी साफ हो गया। बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका छिटकू सा प्यारा सा दोस्त केंट दी एलिफेंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छिटकू सा एलिफेंट। नंबर और शेप सीखना है फ्रेंड्स, आखिर तक रहना तुम सब प्रेजेंट। आज हम सीखेंगे शेप्स और नंबर्स। देखो सब आ भी गए। तो बताओ बताओ, ये क्या है? क्या ये पाँच है? नहीं, ये पाँच तो नहीं है। तो फिर क्या ये 12 है? नहीं, 12 भी नहीं हो सकता। तो क्या ये 1 है? हाँ, ये तो 1 है। और इसका शेप है पैरेललोग्राम। O-N-E-1 यानी कि 1। मुझे बहुत पसंद है रहना नंबर 1। देखते हैं अगला कौन सा है। क्या ये 4 है? ना, 4 तो नहीं है। क्या ये 2 है? हाँ, ये 2 है। और इसका शेप है डायमंड, T-W-O-2 यानी कि 2। और ये सेट हो गया। देखो मेरे पास 2 है। आगे वाला देखते हैं कौन सा है। हाँ, ये है 3। और इसका शेप है ट्रायंगल, T-H-R-E-E-3 यानी कि 3। ये भी लगा दिया। मुझे 3 नंबर पसंद है। अगला कौन सा है? क्या ये 10 है? ना, 10 तो नहीं है। तो क्या ये 4 है? हाँ, ये 4 है। और इसका शेप है रेक्टेंगल, F-O-U-R-4 यानी कि 4। क्या बात है दोस्तों, हमने अब तक सब कुछ पहचान लिया। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, ये है 5। और इसका शेप है पेंटागन, F-I-V-E-5 यानी कि 5। पता है हमारी 5 उंगलियां भी होती हैं। अब अगला वाला देखते हैं। क्या ये 7 है? नहीं, 7 तो नहीं है। क्या ये 6 है? हाँ, ये 6 है। और इसका शेप है ओवल, S-I-X-6 यानी कि 6। क्या बात है दोस्तों, इसका शेप क्या बताया था मैंने? हाँ, ओवल। अगला वाला क्या है? हाँ, 7। और इसका शेप है हेक्सागन, S-E-V-E-N 7 यानी कि 7। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये चलो अगला वाला देखते हैं। हाँ, यही है 8। और इसका शेप है प्लस, E-I-G-H-T-8 यानी कि 8। ओये, हम सही जा रहे हैं। ओये, आहा। अगला वाला कौन सा है? नहीं, 11 तो नहीं है। तो क्या ये 9 है? हाँ, ये है 9। इसका शेप है स्टार शेप, N-I-N-E-9 यानी कि 9। इसका शेप स्टार है, जैसे कि तुम सब स्टार हो, है ना? अगला वाला है नंबर 10। और इसका शेप है हार्ट, T-E-N-10 यानी कि 10। इसे मैं अपनी मम्मा को दूंगा। मम्मा के पास मेरा हार्ट है, लव लव लव। अब 11। और इसका शेप है स्क्वायर,
ELEVEN 11 यानी कि 11। वाह, हमने गेम में इतनी सारी काउंटिंग सीख ली और शेप भी सीखे। अब बस आखिरी वाला जो कि है नंबर 12 और इसका शेप है सर्कल। TWELVE 12 यानी कि 12। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखा हमने खेल खेल में कितना कुछ सीख लिया, बहुत मजा आया है ना। तुम सब बहुत स्मार्ट हो दोस्तों, तुमने शेप और नंबर्स को अच्छी तरह से मैच कर लिया। अगली बार फिर मिलेंगे, बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा गेंद। चुटकुला सा प्यारा सा दोस्त केंट दी एलिफेंट। आज हम बहुत बढ़िया चीज बनाने वाले हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकुला सा एलिफेंट। आज पिज्जा खाने का है मेरा मन, चलो बनाएं पिज्जा मेरे फ्रेंड्स। मेरे पास पिज्जा का बेस पहले से ही है, ये देखो। अब इसके ऊपर मैं चीज डालूंगा और धीरे धीरे टॉपिंग भी डालूंगा। इतनी सारी टॉपिंग आ गयी और पिज्जा पर मैंने अल्फाबेट लगा रखे हैं, तो टॉपिंग्स को हमें अल्फाबेट्स पर ही सेट करना होगा। तुम समझ रहे हो ना दोस्तों, तो क्या तुम तैयार हो? बोलो, चलो शुरू करें। पहला वाला है लेटर ए। बताओ ए कहाँ पर है? हाँ यहाँ पर है। तो पहला वाला है ए, ए, ए कहाँ है? ये ए पर है पेपरोनी। PEPPERONI, इसे ए की जगह पर लगा देते हैं और लगा दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, हम अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद आता है बी। अब बी वाली टॉपिंग कहाँ पर है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रही, बी वाली टॉपिंग मिल गई। ये है OLIVES, ओलिव्स। इन्हें बी पर लगा दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, पिज्जा बन रहा है। उसके बाद आएगा सी। कहाँ है सी? सी 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 सी, हाँ मिल गया सी। इस पे है MUSHROOM, मशरूम, और लगा दिया। यम यम मशरूम, मेरा फेवरेट। उसके बाद है लेटर डी। लेटर डी को ढूंढो, कहाँ है, कहाँ है? टमेटो यानी कि टमाटर। कहाँ लगेंगे टमाटर? लगा दिए, टमेटो टमाटर, टमेटो टमाटर। उसके बाद आएगा ई, और ये है ब्रोकली, BROCCOLI। इसे लगा दो ई की जगह पर, वुहू, बहुत बढ़िया। उसके बाद है लास्ट एफ। एफ कहाँ लगेगा? ये है चीज, CHEESE, और ये लगा दिया। यम यम, हमारा पिज्जा रेडी हो गया है दोस्तों, देखो मैंने उसे सर्व भी कर दिया है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए दोस्तों, हमने साथ में पिज्जा बनाया और बहुत कुछ सीखा भी। ये अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा गेंद। एनिमल्स बिलोंग, क्या तुम तैयार हो? हमारे पास है पानी और जमीन, नीचे अलग अलग जानवरों की फोटो भी आ गई। अब जल्दी से बताओ कि ये एनिमल यानी कि टाइगर कहाँ रहता है? क्या ये पानी में रहता है? तो क्या ये जमीन पर रहता है? हाँ, ये जमीन पर रहता है, जंगल में। अब देखते हैं आगे क्या आएगा, मजा आ रहा है। तो ये वाला एनिमल कहाँ रहता है? ये है जेलीफिश। ये कहाँ रहती है? क्या ये लैंड यानी जमीन पर रहती है? ना, ये रहती है पानी यानी कि वाटर में। देखो इसके दोस्त भी यहीं पर हैं। और अब आ गया ये राइनो। ये राइनो कहाँ रहता है दोस्तों? हाँ, ये लैंड पर रहता है यानी कि जमीन पर। चलो अब देखते हैं अगला कौन सा है। चलो मजा आ रहा है। एक टर्टल यानी कि कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है?
जल्दी बताओ। हाय, ये लैंड में और वाटर में दोनों में रहता है। ये ऐसे तैर भी पाता है और चल भी पाता है। अब ये है एलिफेंट, यानी कि केंट की फैमिली। हम कहाँ रहते हैं? हाँ, लैंड में, यानी जमीन पर, जैसे आप लोग भी रहते हो दोस्तों। ला ला ला, ना 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 ना, इन्हें भी बनाना पसंद है। चलो अब बताओ कि ये शार्क कहाँ रहती है? बताओ बताओ, क्या ये लैंड पर रहती है यानी जमीन पर? नहीं, हाँ ये रहती है पानी यानी कि वाटर में। ला 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 ला, चली गई। अब देखते हैं अगला वाला जानवर कौन सा है। चलो, ओ ये है जंगल का राजा लायन। ये कहाँ रहता है? हाँ ये लैंड पर रहता है। देखो ये हमारे साथ वॉक भी कर रहे हैं जमीन पर। अब ये क्लाउन फिश कहाँ रहती है? क्या ये रहती है लैंड यानी जमीन पर? नहीं, ये रहती है वाटर यानी पानी में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हमने आज बहुत कुछ सीखा। चलो बाय, अगली बार फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त केंट द एलिफेंट। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम खेलने वाले हैं मैच द राइमिंग वर्ड्स। चलो शुरू करें। हमें हमेशा की तरह ये वाला गेम भी जीतना है। चलो शुरू करें। यहाँ पर 8 पिक्चर्स हैं, तो चलो गेस करो कौन सी पिक्चर किसके साथ राइम करेगी। पहली पिक्चर है डॉग की, डी ओ जी डॉग। ये किसके साथ राइम करेगी? चलो चलो देखते हैं। क्या ये मैट के साथ करेगी? ना, इसके साथ नहीं करेगी। अरे हाँ, यही तो जवाब था। ये मैच करेगी लॉग के साथ। डी ओ जी डॉग राइम करता है एल ओ जी लॉग से। अरे वाह, हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। डॉग लॉग दोनों राइम करते हैं। अब कैट का राइमिंग ढूंढते हैं। कैट वर्ड किससे राइम करेगा? क्या आपने सोचा दोस्तों? चलो ट्राई करते हैं। ये राइम करेगा मैट से। बिल्कुल सही जवाब, कैट और मैट। सी ए टी से होता है कैट और एम ए टी से मैट, और दोनों राइम करते हैं। कैट बैठ जाएगी मैट पर। ये अब चलो अगला वाला करें। अब आ रही है हैन यानी कि मुर्गी यानी कि कुकड़ू को। ये किससे मैच करेगी? बताओ किसके साथ राइम करेगी? क्या ये पैन के साथ करेगी? ना, क्या ये पेन के साथ करेगी? हाँ, हैन और पेन दोनों राइमिंग है। एच ई एन से होता है हैन और पी ई एन से पेन, और दोनों राइम करते हैं। हैन नहीं यूज करती है पेन। अब आखिरी वाला, ये है वी ए एन वैन। ये किससे राइम करेगा? बताओ बताओ, ये तो इजी है। हाँ, पेन। अब तो गेस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, यही लास्ट वाला था। तो दोस्तों वी ए एन वैन राइम करती है पी ए एन पैन से। क्या तुमने सही जवाब दिया? पैन में मम्मा मेरे लिए ऑमलेट बनाती है। अब अगला वाला, चलो चलो हम तो एक्सपर्ट हो गए ना इसमें। ये है एच ए टी हैट। ये किससे राइम करेगा? जल्दी बताओ, गेस करो गेस करो। क्या ये सॉक से राइम करेगा? नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा। तो क्या ये बैट से राइम करेगा? हाँ, ये बैट से राइम करेगा। हैट और बैट, एच ए टी हैट राइम करता है बी ए टी बैट से। वो बैट से मुझे बहुत डर लगता है। ओ, अब अगला वाला है बॉक्स, बी ओ एक्स बॉक्स। ये किससे राइम करेगा? जल्दी बताओ दोस्तों। क्या ये सॉक से राइम करेगा? हाँ, हमने पहली बार ही गेस कर लिया। क्या बात है दोस्तों। तो बी ओ एक्स राइम करता है एस ओ सी के एस सॉक से। मेरी ढेर सारी सॉक्स मम्मी रखती है बॉक्स में, ताकि वो गंदे ना हो जाएं। अब अगला वाला है जे यू जी जग। जग किससे राइम करता है बताओ दोस्तों?
जग राइम करता है पिश से? नहीं, ये सही नहीं लग रहा। तो क्या ये राइम करता है मग से? हाँ, जग और मग राइम करते हैं। हमने सॉल्व कर लिया। JUG जग राइम करता है MUG मग के साथ। मैं जग से पानी मग में डालता हूँ और पीता हूँ, जैसे सब पीते हैं। तो चलो अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। ये है डिश। अब तो एक ही चीज बची है, अब तो गेस कर लो। हाँ, फिश। डिश राइम करती है फिश के साथ। चलो इसकी स्पेलिंग भी देखते हैं। DISH राइम करती है FISH फिश के साथ। मैं फिश को डिश में रख के खा जाता हूँ। यम यम। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमने आज सारे पजल सॉल्व कर लिए और स्पेलिंग भी सीखी। अगली बार हम कुछ और खेलेंगे, तब तक तुम रिवीजन करते रहना। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका छुटपु सा प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। आज के गेम में बहुत मजा आएगा और हम कुछ नया भी सीखेंगे। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटपु सा एलिफेंट। ये है नया चैलेंज, तुम हार ना मानना, मैं तुम्हारे संग हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर 8 वर्ड्स लिखे हैं और 8 पिक्चर्स भी हैं। वहाँ क्या बात है, अब तो मुझे लगता है कि चैलेंज आसान हो जाएगा। पहला वर्ड है कैट, CAT कैट, यानी कि बिल्ली। बिल्ली कहाँ है? हाँ, ये रही, सही पहचाना। क्या बात है दोस्तों, पहला वाला एकदम सही गेस कर लिया, CAT कैट यानी बिल्ली। अब दूसरा शब्द है वैन, VAN वैन, इसमें हम सुबह बैठकर स्कूल जाते हैं, ये रही वैन। वाह दोस्तों, बड़ा जल्दी गेस कर लिया, क्या बात है, ये है VAN वैन। उसके बाद है मैट, MAT मैट, क्या ये मैट है? नहीं, हाँ ये रही मैट, क्या बात है, हम इसे बिछाकर इसके ऊपर बैठते हैं, MAT मैट, ये। अब है CAN कैन, गिरा। क्या बात है, तुमने एकदम सही मैच कर लिया दोस्तों, बहुत बढ़िया। CAN कैन, इसे कहते हैं कैन। उसके बाद है, ये क्या है, HAM हैम। ये क्या होता है? ये रहा, हैम से कई सारी डिशेस बना सकते हैं, ये बहुत यम्मी लगती हैं। HAM हैम, ये। उसके बाद है हैट, HAT हैट, ये रही हैट। इसे पहनकर मैं खूब डांस करता हूँ और बाहर जाते हुए भी लगाता हूँ, HAT हैट। उसके बाद है सैड, यानी कि दुखी, SAD सैड, कितने दुखी लग रहे हैं ना भैया। शायद इन्हें आज मम्मी से डांट पड़ी होगी, SAD सैड। उसके बाद आखिरी वाला है सिट, SIT सिट, यानी कि बैठना, और ये बच्चा बैठा हुआ है। क्या बात है दोस्तों, तुमने ये वाला भी गेस कर लिया, SIT सिट यानी कि बैठना। चलो एक और राउंड खेलते हैं। अरे वाह, वर्ड्स आ गए और हमारी पिक्चर्स भी आ रही हैं। सारी आ गई, क्या तुम मैच कर पाओगे? PAN पैन, पैन कहाँ है? ये रहा पैन, इसमें हम खाना पकाते हैं, मम्मा इसमें मेरे लिए ऑमलेट बनाती है, PAN पैन। उसके बाद है जैम, नम नम, इसे हम ब्रेड पर लगाते हैं, ये रहा जैम, ये शायद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला होगा। JAM जैम, जिसे ब्रेड पर लगा के खाते हैं। MAP मैप, यानी कि नक्शा, ये रहा नक्शा। और मैप में जो X मार्क है वो स्पॉट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तुमने अच्छे से गेस कर लिया, MAP मैप यानी कि नक्शा। अगला वर्ड है रैट, RAT रैट, यानी कि चूहा, ये रहा छोटा छोटा चूहा। बहुत बढ़िया गेस किया, RAT रैट यानी कि चूहा, इसे घर में मत आने देना। अगला है बैग, BAG बैग, ये रहा बैग, इसमें हम चीजें भरते हैं और उन्हें कैरी करते हैं, बहुत बढ़िया, BAG बैग। अब अगला वाला कौन सा है? टैग,
टैग टैग। ये रहा टैग। टैग को हम बैग पर लगाते हैं और इस पर कभी कभी चीजों का दाम भी लिखा होता है। टैग टैग। ये। उसके बाद है मैन, यानी कि आदमी। MAN मैन। ये रहे। हेलो अंकल। ये है MAN मैन, यानी कि आदमी। आखिरी वाला है बैट, BAT बैट। और ये रहा बैट, चुटकुसा। ये रात को जागता है और दिन में सोता है। BAT बैट, यानी कि चमगादड़। वाह दोस्तों, तुमने तो सब कुछ अच्छी तरह मैच कर लिया। तुम बहुत बेहतर होते जा रहे हो। चलो अगली बार मिलेंगे। बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं केंट, आपका प्यारा सा छोटू सा दोस्त केंट द एलिफेंट। आज हम ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें हमें पिक्चर को वर्ड से मैच करना है। चलो शुरू करते हैं। अरे वाह, पिक्चर्स आ गई। ओ, वर्ड्स भी आ गए। इस तरफ है पिक्चर्स और यहाँ है वर्ड्स। देखते हैं कौन किसके साथ मैच करता है। तो क्या तुम तैयार हो? तो चलो। ये किसके साथ मैच करेगा? बताओ बताओ, क्या ये ब्रोकली है? नहीं। तो फिर क्या ये लायन है? हाँ, ये तो लायन है, यानी कि शेर। LION लायन, जंगल का राजा। अब अगला वाला। यमी यमी, ये किसके साथ मैच करेगा? कपकेक। हाँ, ये तो कपकेक है, CUPCAKE कपकेक। अगला वाला हम सर पे पहनते हैं। सोच लिया दोस्तों? क्या ये ब्रोकली है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या ये हैट है? हाँ, ये तो हैट ही है, इसे सर पे पहनते हैं, HAT हैट। मेरे पास भी हैट है। अब आखिरी वाला है ये किसके साथ मैच करेगा? ये तो इजी है, एक ही बचा, ब्रोकली। ये यम्मी यम्मी, कितना यम्मी, BROCCOLI ब्रोकली। ओहो, अब नए पिक्चर्स और नए वर्ड्स आने वाले हैं, क्या बात है। पहला वाला है ये, तो ये क्या है? क्या ये कार है? क्या इसमें बैठकर आप घूमने जाते हो? नहीं। क्या ये एप्पल है? हाँ, ये तो एप्पल है, An apple a day keeps the doctor away, APPLE। अरे, ये तो मैं हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसे ही दिखूंगा। अब बताओ कौन सा वर्ड मैच होगा? हाँ, एलिफेंट, कैंटी एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। अब अगला वाला। ब्रुम ब्रुम। चलो बताओ ये क्या है? क्या ये काइट है जो हवा में उड़ती है? नहीं। तो फिर क्या ये कार है? हाँ, ये तो कार है, पम पम गाड़ी, CAR कार। अब आखिरी वाला तो इजी है। ये है काइट, इसे हम हवा में उड़ाते हैं, KITE काइट। क्या बात है दोस्तों। ओहो, और पिक्चर्स और वर्ड्स आ गए, क्या बात है। अब ये पहला वाला किसके साथ मैच करेगा? इसे हम खाते हैं। क्या ये बटरफ्लाई है? नहीं, बटरफ्लाई तो नहीं है। तो क्या ये ग्रेप्स है? हाँ, ये ग्रेप्स है, जूसी जूसी ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। अब अगला वाला है ये, कितना क्यूट है ना? इसका वर्ड कौन सा होगा? अरे वाह, पहली बार ही गेस कर लिया। ये है बटरफ्लाई, BUTTERFLY। इसके 8 पैर होते हैं। क्या ये बुक है? क्या तुम इसे स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, बुक तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या ये ऑक्टोपस है? हाँ, ये ऑक्टोपस है, OCTOPUS ऑक्टोपस। इसे हम स्कूल में ले जाते हैं, इसमें होमवर्क भी करते हैं। हाँ, ये है बुक, BOOK बुक। बहुत अच्छे दोस्तों, तुम सबने बहुत अच्छा किया। हम फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय।
रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छुटकू सा प्यारा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज खेलने वाले हैं, यानी कि एनिमल्स को उनके शेप से मैच करना। चलो शुरू करते हैं, तुम तैयार हो ना? अरे वाह, ड्राइंग बननी शुरू भी हो गई। देखते हैं ये कौन कौन से एनिमल की पिक्चर है। अगर कोई जानता है ये कौन सा एनिमल है तो बता दो। क्या तुमने कुछ गेस किया दोस्तों? अरे वाह, कितने सारे एनिमल्स है ना। ओ, हमारा पहला एनिमल है एक लायन। ये कहाँ पर जाएगा? क्या ये यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर फिट नहीं हो रहा ना। यहाँ पर भी नहीं, और यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर सही लग रहा है। ये है L-I-O-N लायन, यानी कि शेर। अब चलो देखते हैं दूसरा वाला कौन सा है। बताओ कहाँ मैच कर रहा है ये? गेस किया ना? यहाँ नहीं। तो क्या ये यहाँ पर मैच होगा? नहीं, ये तो काफी बड़ा है। हाँ, ये रहा, ये है फॉक्स, F-O-X फॉक्स, यानी कि लोमड़ी। अब देखते हैं तीसरी फोटो किसकी है। इसके तो पर है, ये कहाँ पर फिट होगी? कोई गेस कर सकता है ना? ये तो बहुत बड़ा है इसके लिए। हाँ, वहाँ पेड़ के ऊपर घोंसले में। ये है BIRD बर्ड, यानी कि चिड़िया। ट्वीट ट्वीट। इसके बाद वाले एनिमल को मैच करने के लिए तैयार हो ना दोस्तों? तो जल्दी से गेस करो। नहीं, यहाँ नहीं फिट होगा। हाँ, यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ये है TIGER टाइगर, यानी कि बाघ। अरे वाह, मजा आ रहा है ना? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। इसे पहचानने में गलती नहीं करना दोस्तों। नहीं, यहाँ फिट नहीं होगा। यहाँ भी नहीं। हाँ, यहाँ फिट होगा। क्या बात है दोस्तों, ये है ELEPHANT एलिफेंट, यानी कि हाथी। ओ, अब ये वाला कौन सा है? क्या तुम गेस कर सकते हो? ना, यहाँ पर नहीं। हाँ, यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ये है गोरिल्ला, GORILLA, गोरिल्ला। अब बस एक ही बचा है, इसमें गेस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसे लगा दिया और ये फिट भी हो गया। ये है RHINO राइनो। सब हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब मैं चलता हूँ, अगली बार फिर से मिलूंगा। बाय बाय, एंजॉय करना। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज हमें गेस करना है कि इन लोगों के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं। ओ, ये तो पुलिसमैन है। और इस कार्ड के पीछे कौन होगा? डॉक्टर। ये हमें सुई लगाते हैं। उई। इस कार्ड के पीछे कौन है? आइसक्रीम मैन। यम यम। और इस वाले के पीछे है फायर फाइटर, ये आग को बुझाते हैं। और ये है फार्मा, इन्हीं की वजह से हम खाना खा पाते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो शफल कर दिया और ये आ गए तीन कार्ड। और केंट भी आ गया। चलो देखते हैं सबसे पहले किसकी गाड़ी आने वाली है। आहा, जानी पहचानी लग रही है, नहीं दोस्तों? ये किसकी गाड़ी है? क्या ये पुलिसमैन की गाड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये डॉक्टर की गाड़ी है, तुम्हें लगता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये शायद होगी, किसकी गाड़ी होगी बताओ? क्या तुमने गैस किया दोस्तों? बताओ बताओ। हाँ, आइसक्रीम मैन की गाड़ी। इनके पास बहुत सारे फ्लेवर होते हैं और आइसक्रीम ट्रक में बैठते हैं आइसक्रीम मैन। चलो अब अगले राउंड पर चलते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी आएगी। ओ, डीनो डीनो, ये तो एम्बुलेंस है। क्या ये आइसक्रीम मैन की गाड़ी है? अभी तो हमने देखा कि उनकी गाड़ी कैसी दिखती है। तो क्या ये फायर फाइटर की गाड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये होगी, बताओ बताओ। क्या ये डॉक्टर की गाड़ी हो सकती है? हाँ, एम्बुलेंस तो डॉक्टर्स की गाड़ी होती है। तो दोस्तों, एम्बुलेंस में बैठते हैं डॉक्टर। बड़ा मजा आ रहा है ना दोस्तों। अब तीसरा राउंड,
देखते हैं किसकी गाड़ी आएगी। क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? क्या ये आइसक्रीम मैन की गाड़ी है? इसमें कहाँ आइसक्रीम बेचेंगे? तो क्या ये पुलिसमैन की गाड़ी है? इसमें तो दरवाजा ही नहीं है, चोर तो भाग जाएगा। तो फिर क्या ये फार्मर की गाड़ी है? बताओ बताओ, क्या तुम्हें लगता है ये उनकी गाड़ी है? हाँ, ये फार्मर की गाड़ी है, बिल्कुल सही पहचाना। तो ये है ट्रैक्टर जिसे चलाता है फार्मर। हमने कितनी सारी गाड़ियों के बारे में जान लिया ना, देखते हैं अगली वाली कौन सी आएगी। ये तो एक फायर ट्रक है, कितना लंबा है ना। क्या ये डॉक्टर का है? नहीं, ये डॉक्टर का नहीं है। तो क्या ये आइसक्रीम मैन का है? बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं तीसरे कार्ड में क्या है, फायर फाइटर। तो बताओ क्या ये फायर ट्रक फायर फाइटर का है? बिल्कुल सही, ये इन्हीं का ट्रक है। तो दोस्तों, फायर ट्रक को चलाते हैं फायर फाइटर। अब देखते हैं अगली गाड़ी किसकी आएगी। मजा आ रहा है ना दोस्तों? अरे आ गई पुलिस कार, कितनी अच्छी गाड़ी है ना। क्या ये फार्मर की गाड़ी है? इसमें कैसे खेती करेंगे? तो क्या ये डॉक्टर की गाड़ी है? नहीं, हमने अभी जाना कि डॉक्टर की गाड़ी एम्बुलेंस होती है। तो फिर क्या ये पुलिसमैन की गाड़ी हो सकती है? बताओ बताओ, सोचो सोचो। हाँ, ये पुलिसमैन की गाड़ी है, बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, पुलिस कार को पुलिसमैन चलाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकु सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। यह मेरा स्कूल और मैं इस वक्त अपनी क्लास में हूँ। आज हम सीखेंगे फ्रूट्स के नाम। क्या तुम तैयार हो? तो चलो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है मेरी पसंद, इसका रंग लाल है मेरे फ्रेंड्स। बताओ बताओ, कौन सा फ्रूट हुआ ये? चलो एक हिंट देता हूँ, मम्मा कहती है रोज इसे खाओगे तो हेल्दी रहोगे। बताओ बताओ। ओहो, टाइम खत्म हो गया, मैं बताता हूँ, ये एप्पल यानी सेब है। ये मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है मम्मी की पसंद, इसका रंग है बैंगनी मेरे फ्रेंड। चलो एक हिंट देता हूँ, ये खाने में थोड़े से खट्टे होते हैं, इनका गुच्छा होता है और इन्हें तोड़कर खाया जाता है। ओहो, टाइम खत्म हो गया, गैस किया या नहीं? हाँ, ये ग्रेप्स यानी अंगूर है। बहुत बढ़िया, तुमने गैस कर लिया, मुझे ग्रेप्स बहुत पसंद है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है लूक की पसंद, इसका रंग है नारंगी मेरे फ्रेंड्स। बताओ ये कौन सा फ्रूट हुआ? थोड़ा सा खट्टा होता है, ये नारंगी रंग का होता है। ओहो, टाइम अप हो गया। हाँ, सही पहचाना, ये ऑरेंज यानी संतरा है। वाह वाह, चलो अब अगला वाला। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है डैडी की पसंद, इसमें है अलग अलग सारे रंग। बताओ ये कौन सा है? इसके सर पर एक हेयर स्टाइल होता है और बदन नुकीला। गेस कर लिया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ये है पाइनएप्पल यानी अनानास। ये बहुत बढ़िया, ये मम्मा मुझे गोल गोल काट कर देती है, ये बहुत जूसी होता है। अब अगला वाला। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है टिम की पसंद, इसका रंग है पीला मेरे फ्रेंड्स। बताओ बताओ, ये किसकी ड्राइंग है? जल्दी जल्दी गेस करो, कौन सा फ्रूट है? बताओ बताओ। अरे टाइम अप हो गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ये है बनाना यानी कि केला। टिम मंकी है ना, इसलिए उसे ये वाला फ्रूट बहुत पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है मोमो की पसंद, इसका रंग है हरा मेरे फ्रेंड्स। बताओ ये कौन सा फ्रूट हो सकता है? बताओ बताओ, किसी ने गेस किया? ओहो, टाइम खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ये है पेयर यानी कि नाशपाती। बहुत अच्छा गेस करते हो दोस्तों। मेरा नाम
नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है केंट की पसंद, इसका शेक होता है डिलीशियस मेरी फ्रेंड। बताओ ये कौन सा फ्रूट है? ये खाने के साथ साथ दिखने में भी क्यूट होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे। क्या गेस कर लिया? ओहो टाइम खत्म हो गया। हाँ ये स्ट्रॉबेरी है, मम्मा मुझे इसका शेक बनाकर पिलाती है। चलो अब बताओ ये कौन सा है? मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है दादू की पसंद, बाहर से हरा अंदर से लाल है मेरी फ्रेंड। क्या तुम गेस कर पाई? ये वाला तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मैंने इसका एक ही टुकड़ा बनाया। ओ टाइम अप हो गया। ये है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। ये ना गर्मियों में ज्यादा खाए जाते हैं। चलो अगला वाला देखते हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। ये वाला फ्रूट है सबकी पसंद, क्यूट होते हैं जैसे मेरी फ्रेंड। बताओ किसी ने पहचाना ये कौन सा फल है? बताओ बताओ जल्दी जल्दी सोचो। ओ टाइम अप हो गया, मैं बताता हूँ, ये है चेरी। बहुत अच्छा खेला दोस्तों, सब कुछ पहचान लिया। ओहो बेल भी बज गई। आज के लिए इतना ही, बहुत मजा आया। अब मैं जा रहा हूँ, अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंट दी एलिफेंट। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम शेक बनाने वाले हैं। हाँ सही सुना आपने, और इन शेकर्स का नाम पता है क्या है? इनका नाम भी केंट ही है। सबसे पहले नीले वाले में गई नीली बॉल्स, फिर लाल वाले में गई क्या? हाँ लाल बॉल्स। और उसके बाद आया पीला शेकर और इसमें गई पीली बॉल्स और फिर गया। और उसके बाद आता है बैंगनी शेकर जिसमें जाएंगी बैंगनी रंग की बॉल्स। ये अब बारी है इन सबको शेक करने की। गड़गड़ 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 गड़गड़। वाह हो गया, हमें मिला ब्लू यानी नीला शेक। अब लाल वाले को मिक्स करते हैं, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। अब मिला रेड यानी लाल शेक। अब पीले वाले को मिक्स करेंगे, गड़गड़ 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 गड़गड़। हो गया, हमें मिल गया येलो यानी पीला शेक। अब बैंगनी वाले की बारी, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। वाह हो गया, पर्पल यानी बैंगनी शेक। चलो देखते हैं ये शेक किस फ्रूट का है और ये क्या है। हाँ ये ब्लूबेरी है। चलो देखते हैं ये शेक किस फल का था। हाँ ये है एप्पल यानी सेब। देखते हैं पीला वाला कौन से फल का शेक था। हाँ ये है बनाना यानी केले का शेक। चलो देखते हैं बैंगनी वाला किस चीज का शेक होगा। ओह ये तो शेक नहीं जूस है, ग्रेप्स का जूस। सारे हो गए, वाह क्या बात है। अब मैं जा रहा हूँ, हम बाद में मिलेंगे। बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज रंग सीखेंगे मेरे फ्रेंड, बड़ा मजा आएगा देखना टिल द एंड। बहुत मजा आएगा क्योंकि ये रंगों वाला ग्लास मेरी ही शक्ल का है ना दोस्तों। और इसमें अब मैं गोल गोल बॉल्स भर रहा हूँ। ओह ये तो इतनी जल्दी जल्दी भर रही है, केंट तो गिन भी नहीं पाएगा। अच्छा बताओ ये कौन सा कलर है? हाँ ब्लू यानी कि नीला। और अब दूसरी वाली बोतल खुल गई, इस पे भी केंट की शक्ल ही है। ओहो इतनी जल्दी जल्दी बॉल्स भर रही है, डग 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 डग। इतनी फास्ट तो मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा। क्या तुमने किया दोस्तों? इसका कलर है रेड यानी कि लाल। और अब तीसरी वाली बोतल की बारी है यानी कि थर्ड वाले की। इसमें भी बॉल्स भर रही है, भरो 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 भरो, डिग 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 डिग। ये कौन सा कलर है? हाँ ये है येलो यानी कि पीला। ये केंट का फेवरेट कलर है। अब फोर्थ यानी कि चौथी बोतल भी खुल गई। लगता है इसमें भी बॉल्स गिरने वाली है। अरे हाँ मैं तो सही था, ये भी फास्ट फास्ट गिर रही है, डिग 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 डिग। अच्छा इसका रंग तो बताओ। हाँ ये है पिंक यानी कि गुलाबी रंग। रिवाइज कर लेते हैं, पहला था ब्लू यानी कि नीला, दूसरा था रेड यानी कि लाल, तीसरा था येलो यानी कि पीला, और चौथा था पिंक यानी कि गुलाबी। अरे ये तो नए रंग की बोतल आ गई। ओहो एक दो तीन और चार,
ओहो, हमें चार और रंग पहचानने हैं। चलो सबसे पहले वाले को देखते हैं, ये कौन सा रंग है। ओह, अरे देखो इसमें भी बॉल्स गिर रही हैं। डिग 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 डिग, मैं तो गिन ही नहीं पाया। अच्छा क्या तुम जानते हो ये कौन सा रंग है? ये है ब्राउन, यानी कि भूरा रंग। अब है दूसरे वाले की बारी। लगता है इसमें भी बॉल्स गिरने वाली हैं। और ये गिरी बॉल्स। डिग 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 डिग, कितनी सारी है ना? ये है पर्पल, यानी कि बैंगनी रंग। चलो अब देखते हैं कि तीसरा वाला कौन सा रंग है। ये वाली बोतल खुल गई। मेरा फेस कितना क्यूट लग रहा है ना? देखो इसमें भी बॉल गिरनी शुरू हो गई। कितनी सारी बॉल्स हैं। गोल 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 गोल। क्या तुमने कलर पहचाना? हाँ, ये है ग्रीन, यानी कि हरा रंग। मैं तो पहले ही जानता था। अब है चौथे वाले की बारी। क्या बता सकते हो ये कौन सा कलर है? अरे मैं तो भूल ही गया, पहले तो बॉल्स गिरने वाली है। डिग 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 डिग, बॉल्स भर गई। क्या तुमने गैस कर लिया? हाँ, ये है ऑरेंज, यानी कि नारंगी रंग। रिवाइज करते हैं, पहला था ब्राउन यानी भूरा, फिर पर्पल यानी बैंगनी, फिर ग्रीन यानी कि हरा, फिर ऑरेंज यानी कि नारंगी। बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त। लेकिन आज मैं नजर नहीं आऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि आज हम एक मजेदार गेम खेल रहे हैं, जिसका नाम है केंट सेट गो। चलो चलो दोस्तों, अब बताओ कि मेरी आंखें कहाँ सेट होंगी, क्योंकि बिना आंखों के तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा ना। जल्दी से सेट कर दो। और हाँ, हो गई मेरी आंखें सेट। अब मेरा मुंह सेट कर दो। हाँ, मुंह से ही तो बात कर पाऊंगा। ओ देखो मेरे सर पे क्या है, और ये है मेरे डिम्पल। ये है मेरा स्टमक, यानी कि पेटू। इसमें ही सारा खाना जाता है और केंट को ताकत भी मिलती है। अब क्या रह गया, बताओ बताओ। हाँ, मेरी ट्रंक यानी कि सूंड, ये रही। ये आप लोगों ने मुझे पूरा बना दिया। ये अरे लेकिन कुछ तो अधूरा सा लग रहा है। हाँ, रंग भर देते हैं जो बहुत सुंदर लगेंगे। हम इन रंगों के नाम भी सीखेंगे। सबसे पहला वाला रंग है येलो, और ये भर दिया। इसे हम पीला रंग भी बुलाते हैं। अब चलो दूसरे रंग की बारी। चलो बताओ ये कौन सा रंग है, बताओ बताओ। हाँ, ये ब्लू है, यानी कि नीला। अब तीसरे रंग की बारी है। ये कौन सा रंग है? वुहू, ये है पिंक, यानी कि गुलाबी गुलाबी। वाह, मजा आ रहा है ना? ओह, अब तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सूंड के नीचे है। बताओ ये कौन सा रंग है? हाँ, रेड, यानी कि लाल रंग। और अब आ रहा है, कौन सा कलर है ये? देख सकते हो तो बताओ। हाँ, ये है ग्रीन, यानी कि हरा रंग। और सबसे नीचे कौन सा पेंट होगा? ये आखिरी वाला है। ये है ऑरेंज रंग, यानी कि नारंगी। तुम सबने गेम पूरा कर लिया। चलो अब बाद में मिलते हैं। बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, केंट द एलिफेंट, आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट। मेरे दोस्त लेते हैं हर चैलेंज, तुम ढूंढ लोगे मिसिंग लेटर्स माय फ्रेंड। तो चलो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास है हैट, और हमें देखना है कि कौन सा लेटर उसमें फिट आएगा। क्या जे आ सकता है? नहीं। एम आ सकता है? नहीं, ये भी रॉन्ग है। क्या ए हो सकता है? हाँ, यही तो है, एच ए टी, हैट। अब दूसरी चीज है की। इसमें से कौन सा लेटर मिसिंग है? क्या पी मिसिंग है? नहीं, कैप नहीं। क्या ओ मिसिंग है? नहीं, ये भी नहीं। क्या वाई मिसिंग है? हाँ, यही तो है, के ई वाई, की यानी चाबी। वाव वाव, ये है डॉग। डॉग के लिए सबसे पहला लेटर कौन सा होगा?
तक ये होगा कॉग नहीं डी हाँ डी ओ जी यानी कि डॉग। डॉग इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है। म्याऊ। कैट यानी बिल्ली। कैट टी आएगा। क्या ये मिसिंग लेटर है? अरे हाँ सी ए टी कैट। चलो अब देखते हैं कि आगे क्या है। पीप पीप ये तो कार है। कौन सा लेटर मिसिंग है? क्या आई मिसिंग है? नहीं ये तो नहीं हो सकता। क्या सी मिसिंग है? अरे हाँ सी मिसिंग है। सी ए आर कार यानी कि गाड़ी। ये तो जैम है। यम यम यम। इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है? क्या एक्स है? जैक्स नहीं। एच मिसिंग है? जैक सूरज। कौन सा लेटर मिसिंग है? जेड नहीं ये तो नहीं। क्या यू हो सकता है? एस यू एन सन यानी कि सूरज। अब ये मेरी स्कूल बस आ गई। इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है? क्या एस है? बी यू एस बस। हमने सारे लेटर ढूंढ लिए। अगली बार फिर मिलूंगा। बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों मैं आ गया आपका प्यारा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज मैं समंदर के अंदर हूँ और यहाँ मैं समंदर में पाए जाने वाले जीव देखूंगा और साथ ही बताऊंगा कि वो कौन से रंग के होते हैं। ते पहला कौन सा आता है? ये तो शार्क है। मछली रानी मछली रानी केंट को बता दो इसकी कहानी। कौन सा रंग शार्क का है खास? अगर बता दो तो बन जाए बात। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये नीला रंग है यानी कि ब्लू कलर। ये और पता है शार्क को भी मेरा ही कलर पसंद है ब्लू कलर। अब देखते हैं अगला कौन सा है। ये तो ऑक्टोपस है। देखते हैं मछली रानी कौन सा रंग करेगी। मछली रानी केंट को बता दो इसकी कहानी। कौन सा रंग है ऑक्टोपस का खास? अगर बता दो तो बन जाए बात। और हो गया। इसे तो पर्पल रंग पसंद है यानी कि बैंगनी कलर। अब क्या आ रहा है? क्रैब यानी कि केकड़ा। देखते हैं मछली रानी इसको कौन सा रंग देती है। मछली रानी केंट को बता दो इसकी कहानी। कौन सा रंग है केकड़े का खास? अगर बता दो तो बन जाए बात। और ये बस रंग हो गया। इसे पेंट किया गया है रेड यानी लाल रंग। अब कौन सा जीव आने वाला है? डॉल्फिन। ये तो बहुत सुंदर है। देखते हैं मछली रानी इसे कौन सा रंग देगी। मछली रानी केंट को बता दो इसकी कहानी। कौन सा रंग डॉल्फिन का है खास? अगर बता दो तो बन जाए बात। इसका रंग है ग्रे यानी कि स्लेटी रंग। वाह मजा आ गया। ये है क्वीन फिश। मछली रानी केंट को बता दो इसकी कहानी। कौन सा रंग क्वीन फिश का है खास? अगर बता दो तो बन जाए बात। क्वीन फिश ने तो सर पर ताज भी पहन रखा है। क्या बात है। इसमें दो रंग है हरा और गुलाबी। तो चलो अब रिवाइज करते हैं। शार्क को पसंद है नीला रंग। अगला कौन सा था? हाँ ऑक्टोपस। उसे पसंद है बैंगनी रंग। उसके बाद है केकड़ा। उसे पसंद है लाल रंग। और उसके बाद डॉल्फिन जिसे पसंद है स्लेटी रंग। और ये है क्वीन फिश जिसे हरा और गुलाबी दोनों पसंद है। आज तुम सबके साथ कलरिंग करने में मजा आया। फिर मिलूंगा। बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों मैं केंटी एलिफेंट। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज का दिन नहीं होगा डर। हम सॉल्व करेंगे जिग्सॉ पजल। तो चलो सबसे पहले कार के पजल से शुरू करते हैं। सबसे पहले कोने वाला पीस लगा दो ताकि उसे सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब ऊपर वाले कॉर्नर का पीस और ये आखिरी वाला कॉर्नर पीस और ये लग
गया। अब हम लगाएंगे कार के एक शीशे वाला पीस और हाँ इस तरह से। अब शीशे वाला दूसरा पीस, उसके बाद फेंस वाला पीस और ये कार के हैंडल वाला पीस भी लगा दिया। उसके बाद आता है आसमान और बादल वाला पीस। बस पजल होने ही वाला है। अरे हाँ यहाँ पर। अब ये कार के आगे वाला हिस्सा, उसके बाद ये व्हील वाला पीस। अब बस दो ही बचे हैं। ये है फेंस वाला पीस और आखिरी है व्हील वाला पीस यानी पहिए वाला पीस। और हमारी गाड़ी बन गई। अब मैं बैठ के उसमें घूमने जा रहा हूँ। बाय। अब चलो स्कूल बस वाला पजल सॉल्व करें। ये वाली मेरी स्कूल बस है, येलो येलो। सबसे पहले लगाएंगे कॉर्नर पीस, उसके बाद आसमान वाला कॉर्नर पीस, उसके बाद लगाते हैं आसमान का दूसरी तरफ वाला कॉर्नर पीस और ये लगा दिया रोड का कॉर्नर पीस। चारों कॉर्नर पीस हो गए। अब बीच वाले लगाते हैं। ये है बस की विंडो, हाँ यहाँ पर। और ये व्हील वाला, हाँ लगा दिया। आसमान वाला पीस, बस की रूफ बन रही है धीरे धीरे। और हाँ, और ये आखिरी वाला बस के रूफ वाला पीस। और उसके बाद लगाते हैं खिड़की वाला पीस, उसके बाद लगाते हैं डोर और ड्राइवर की विंडो वाला पीस, फिर रोड और व्हील वाला पीस यानी पहिए वाला पीस, और ये है पहाड़ वाला पीस, और ये आखिरी वाला पीस लगा दिया। और हमारा पजल हुआ कम्प्लीट। ये पीप पीप पीप, जल्दी चलो। अब देखते हैं अगला वाला कौन सा आएगा। ओह ये तो एक जीप है, ग्रीन रंग की यानी हरे रंग की। सबसे पहले कॉर्नर वाला पीस, हाँ, उसके बाद जमीन के कॉर्नर वाला पीस लगा दिया, उसके बाद आसमान की दूसरी साइड वाला कॉर्नर पीस और चौथा पीस भी लगा दिया। अब आसमान, हाँ अब लग गया। पता है रंगों से हम जान जाते हैं कि कौन सा पीस कहाँ आएगा। जमीन का एक और पीस लगा दिया और ये आसमान का एक और पीस और ये कॉर्नर के बीच वाला पीस और ऊपर के बीच वाला पीस, उसके बाद फ्लावर्स और घास वाला पीस और एक पहिए वाला पीस। ओह मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बन रही है। और इसे घुमा दो, हाँ ऐसे। अब कॉर्नर वाला और ये बीच वाला और हमारा पजल कंप्लीट हो गया। ये चलो अब मैं जाता हूँ दोस्तों, खेलने में बहुत मजा आया। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ पजल सॉल्व करने के लिए। आज मुझे बहुत मजा आया, मैं फिर मिलूंगा। बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा दोस्त केंडी एलिफेंट। और आज हम ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो एक दूसरे के साथ फिट होती हैं। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छोटा सा एलिफेंट, कुछ नया सीखने में रहता मगन। जैसे आज जानेंगे क्या है किसके संग। तो बताओ कि बस के साथ में क्या होता है। हाँ व्हील्स यानी पहिए। और ये पहिए जब गोल 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 घूमते हैं तो गाड़ी चल पाती है। अब मैं बताता हूँ पहिए किन किन चीजों में होते हैं। गाड़ी यानी कार, साइकिल में, ट्रैक्टर में, ट्रक में भी होते हैं। अगर पहिए यानी व्हील्स ना हो तो गाड़ी चल ही नहीं पाती है। पता चला कि पहिए कितने जरूरी होते हैं। तो चलो अब दूसरी चीज देखते हैं कि वो किसके बिना अधूरी है और उस पर क्या सेट होता है। मैं इस वक्त हूँ पार्क में और ये है एक पेड़। और पेड़ किस चीज के बिना अधूरा होता है दोस्तों? क्या ये हैट के बिना अधूरा होता है? नहीं। क्या ये छतरी के बिना अधूरा है? नहीं। ये तो लीव्स यानी पत्तियों के बिना अधूरा है। वाह मजा आ गया, हमने पेड़ और पत्तियों को एक साथ सेट कर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब चलो दूसरे वाले की ओर। नेक्स्ट, एक फिश यानी मछली, इसकी किसके साथ जोड़ी बनती है? व्हील यानी पहिए के साथ? नहीं। एप्पल यानी सेब के साथ? ना। ये
ये भी नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? हाँ, फिश बोल। मछली फिश बोल में रहती है, इसीलिए ये दोनों एक साथ सेट होते हैं। क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्या बात है, अब देखते हैं अगला कौन सा है। ये तो हैट है। ये किसके साथ फिट होगा? एक पेड़ के साथ? नहीं, पेड़ नहीं, बस नहीं, बस भी नहीं, और फिश बोल के साथ भी नहीं। ओहो, तो क्या हो सकता है? अरे हाँ, ये तो मेरे सर पे फिट होती है, यानी कि केंट के सर पे। मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ ना दोस्तों। आज जो भी सीखा वो तुम भी याद रखना, हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहो। अगली बार मैं जल्दी से आऊँगा और हम सब मिलके कुछ नया सीखेंगे। बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट। हाय दोस्तों, मैं आ गया आपका दोस्त केंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकु सा एलिफेंट। आज की सीख भूलेंगे नहीं कल, हम सॉल्व करेंगे जिग्सो पजल। ओह, ये तो गांव वाला पजल है। अरे वाह, इतने सारे पीसेस हैं। पहले किनारे वाला लगाता हूँ ताकि पजल सॉल्व करना आसान हो जाए। उसके बाद इसका पेटू लगाऊंगा और उसके बाद फिर से आसमान। अरे ऐसे नहीं लगेगा, हाँ ऐसे। अब जमीन का टुकड़ा, ये हमने कोने के चारों पीसेस लगा दिए। अब चलो मुंह वाला पीस लगाते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। और अब लगाएंगे पैरों वाला हिस्सा। ये बस पूरा होने वाला है दोस्तों। अब ये वाली फेंस, अरे ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। फेंस का एक टुकड़ा लगाते ही वो वाली रो पूरी हो गई। ये देखो, एक और हो गया और फेंस का एक और टुकड़ा। अब सिर्फ बचे हैं चार। आसमान का एक और टुकड़ा लगा दिया और अब काव की पूंछ भी लगा दी। अब सिर्फ दो बचे हैं, ये रहा एक पैर और ये हो गया। ये बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या आप जानते हैं काव क्या आवाज निकालती है? मू। हाँ सही कहा। अब दूसरे पजल की बारी। ये है मुर्गी और उसका चूजा, यानी मम्मी और बेबी। तो सबसे पहला कौन सा उठाऊं? हाँ, कोने वाला आसमान वाला पीस, उसके बाद घास वाला पीस, और उसके बाद लगाऊंगा तीसरा कोने वाला पीस, और फिर बताओ, हाँ चौथा कोने वाला पीस, उसके बाद मुर्गी का मुंह। अरे नहीं, हाँ ऐसे। फेंस का पीस लगा देता हूँ, उसके बाद ये आसमान वाला पीस। तुम तो सीख रहे हो, उसके बाद कौन सा लगाना है? अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। बहुत बढ़िया दोस्तों। अरे वाह, एक और फेंस का पीस लगा दिया। आसमान बस पूरा होने वाला है दोस्तों, और ये लगा दिया बेबी वाला पीस। अरे वाह, अब हम लगाएंगे मम्मी हेन वाला पीस। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। और ये लगाया बेबी की आंख वाला पीस। अब दो ही बचे हैं, मम्मा हेन की आंख वाला पीस और पैरों वाला पीस, और हो गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये वाला तो जल्दी हो गया। बेबी चिक आवाज निकालती है, ट्वीट 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 ट्वीट। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ओह, अब घोड़े वाला पजल। कितना प्यारा लग रहा है ना, बताओ पहले कौन सा लगाऊं? हाँ, कोने वाला पीस। सीख रहे हो दोस्तों। और दूसरे कोने वाला पीस लगा दिया, अब तीसरा पीस भी लगा दिया और चौथा। इससे पजल सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब लगाते हैं मुंह वाला पीस। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। अब रस्सी वाला पीस। अब लगाएंगे हॉर्स के पैरों वाला पीस। बहुत बढ़िया। अब ये कान, नहीं ऐसे नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। अब लगाएंगे घोड़े के सैडल वाला पीस, और अब ये साइड वाला पीस। बस होने वाला है, हाँ ऐसे। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। चलो अब लगाते हैं ऊपर वाला पीस। अरे नहीं, ऐसे नहीं दोस्तों, अब बचे हैं सिर्फ तीन। नीचे वाला हो गया, और ये है पूंछ वाला पीस, और आखिरी वाला है। बहुत बढ़िया दोस्तों, हाँ, और पजल पूरा हो गया। तो बताओ हॉर्स कौन सी आवाज निकालता है? नहीं। हाँ हॉर्स नहीं, नहीं,
करके बात करता है। ओ, अब आ गया छुटकू सा पिगी वाला पजल। बहुत सारे पीसेस है ना। चलो अब शुरू करते हैं कोने वाले पीस से। अब दूसरी साइड के कोने वाले पीस को लगा दिया और अब आसमान वाला पीस और कोने वाले चारों पीसेस लगा दिए। अब कौन सा मुंह वाला? अरे नहीं दोस्तों, हाँ लगा दिया। अब नीचे वाला पीस और ये फेंस वाला पीस ना, हाँ लगा दिया। अब फेंस वाला पीस और ये भी लग गया। तुम तो बहुत जल्दी कर रहे हो दोस्तों। हाँ बहुत बढ़िया। और अब हम लगाएंगे फेंस का आखिरी पीस और हो गया। और ये बीच वाला पीस लगा के रो कंप्लीट हो गई। आप आंख वाला पीस नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। अब पिगी का हाथ वाला पीस, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ दो ही बचे हैं। दूसरा हाथ वाला पीस भी लगा दिया और आखिरी है पिगी का पेटू। हाँ बहुत बढ़िया, तुमने तो सॉल्व कर दिया दोस्तों। पिगी आवाज निकालते हैं, ओंक 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 ओंक। देखो कितने सारे हैं, है ना, प्यारे लग रहे हैं। चलो आपसे बाद में मिलता हूँ, बाय। मैं आपका फेवरेट हूँ ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक छोटा कैंट।